अब शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV3, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस। चलिए पहले बात करते हैं नोबल गैसेस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की। नोबल गैसेस जनरली मोनो एटॉमिक होती हैं। ये कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होती हैं। नोबल गैसेस वाटर में स्प्रिंगली सॉल्युबल होती हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत लो होते हैं। अब तक जितने भी सब्सटेंसेस को हम जान पाए हैं उन सभी में से हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। इसकी वैल्यू होती है 4.2 केल्विन ओनली। हीलियम की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि ये मोस्ट ऑफ दी लेबोरेटरी मटेरियल से डिफ्यूज हो जाता है, जैसे कि रबर, ग्लास और प्लास्टिक से। चलिए अब बात करते हैं नोबल गैसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। नोबल गैसेस का जो पहला कंपाउंड प्रिपेयर किया गया था वो ज़िनॉन का था, जिसको प्रिपेयर किया था नील बार्टलेट ने। नोबल गैसेस का जो फर्स्ट कंपाउंड प्रिपेयर किया गया था वो ज़िनॉन का कंपाउंड था, जिसको प्रिपेयर किया था नील बार्टलेट ने। नील बार्टलेट ने ज़िनॉन की रिएक्शन कराई थी प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ। तब Xe+ FtF6- एक कंपाउंड बना था जो रेड कलर का था। यही ज़िनॉन का फर्स्ट कंपाउंड था। इसके बाद नोबल गैसेस के और भी कंपाउंड्स प्रिपेयर किए गए और फाउंड किए गए, जैसे कि ज़िनॉन के फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स, क्रिप्टन का डाइफ्लोराइड KrF2, रेडॉन का डाइफ्लोराइड RnF2। ऑन दी अदर हैंड हीलियम, नियॉन और आर्गन के ट्रू कंपाउंड्स नहीं पाए जाते हैं। तो इन नोबल गैसेस के कंपाउंड्स में से हम केवल ज़िनॉन के ही कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। चलिए अब देखते हैं कंपाउंड्स ऑफ ज़िनॉन। अगर ज़िनॉन के कंपाउंड्स की बात की जाए तो ज़िनॉन फ्लोरीन के साथ कंपाउंड्स बनाता है और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स बनाता है। ज़िनॉन फ्लोरीन के साथ डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड बनाता है। ऑन दी अदर हैंड ये ऑक्सीजन के साथ XeOF4, XeO2F2 और XeO3, ये तीन कंपाउंड बनाता है। तो टोटल यहाँ पर ज़िनॉन के 6 कंपाउंड हैं। सबसे पहले बात करते हैं XeF2 यानी कि ज़िनॉन डाइफ्लोराइड की। अगर इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो जब एक्सेस अमाउंट में ज़िनॉन फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तब XeF2 बनता है। यहाँ पर जो रिएक्शन कंडीशंस होती हैं वहाँ पर टेम्परेचर होता है 673 केल्विन और प्रेशर होता है 1 bar। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये 298 केल्विन पर सबलाइम हो जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, जिसे हम इस रिएक्शन से समझ सकते हैं। जब XeF2 PF5 के साथ रिएक्शन करता है तो XeF पॉजिटिव और PF6 नेगेटिव बनता है। XeF2 वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। इसकी केमिकल रिएक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब XeF2 वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो XE, HF और ऑक्सीजन गैस बनती है। अगर XeF2 के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और XeF2 में 3 लोन पेयर होते हैं। चलिए अब बात करते हैं XeF4 की। अगर इसकी प्रिपरेशन की बात की जाए तो जब ज़िनॉन और फ्लोरीन 1:5 में रिएक्शन करते हैं तब XeF4 बनता है। यहाँ पर रिएक्शन कंडीशंस होती हैं
873 केल्विन टेम्परेचर और 7 बार प्रेशर। अगर XeF4 की प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो इसकी प्रॉपर्टीज लगभग XeF2 जैसी ही होती है, जैसे कि ये भी कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये 298 केल्विन पर सबलाइम हो जाता है, ये भी पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, ये भी एक पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, जिसे हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं। जब XeF4 रिएक्शन करता है एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ, तब XeF3 पॉजिटिव और SbF6 नेगेटिव बनता है। XeF4 भी वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। अगर XeF4 के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर आप यहां पर देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होता है, जिसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए अब बात करते हैं XeF6 यानी कि ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड की। अगर इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो जब ज़ीनॉन और फ्लोरीन 1:20 में रिएक्शन करते हैं तब XeF6 बनता है। यहां पर रिएक्शन कंडीशंस होती हैं 573 केल्विन टेम्परेचर एंड 70 बार प्रेशर। इसकी प्रॉपर्टीज भी XeF2 और XeF4 जैसी ही होती हैं, जैसे कि ये भी कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, 298 केल्विन पर सबलाइम होता है, पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है और वाटर में हाइड्रोलाइज हो जाता है। ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जब ये मेटल फ्लोराइड्स के साथ रिएक्शन करता है तो वहां से फ्लोरीन को ले लेता है, जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं। जब XeF6 MF से रिएक्शन करता है, यहां पर M मेटल है, तो मेटल बनता है और XeF7- बनता है। अगर ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर आप यहां पर देख सकते हैं। इसकी शेप होती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और इसमें 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए अब बात करते हैं ज़ीनॉन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स की। तो पहला कंपाउंड है XeOF4। अगर इसकी प्रिपरेशन देखें तो जब XeF6 वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो XeOF4 और 2HF बनता है। चलिए अब बात करते हैं ज़ीनॉन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स की। तो यहां पर पहला कंपाउंड है XeOF4। अगर इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो जब XeF4 वाटर के साथ रिएक्शन करता है तब XeOF4 और HF बनता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर आप यहां पर देख सकते हैं। इसकी शेप होती है स्क्वायर पिरामिडल और इसमें 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। सेकेंड कंपाउंड है XeO2F2। अगर इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो जब XeF6 वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो XeO2F2 बनता है और साथ में HF बनता है। यहां पर वाटर के 2 मोल्स यूज होते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर आप यहां पर देख सकते हैं। XeO2F2 की शेप सी सॉ शेप होती है और इसमें 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट कंपाउंड है XeO3। अगर इसके प्रिपरेशन की बात करें तो जब XeF4 के 6 मोल्स 12 मोल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तब XE के 4 मोल, XeO3 के 2 मोल, HF के 24 मोल और ऑक्सीजन गैस के 3 मोल बनते हैं। इसका एक और प्रिपरेटिव मेथड है, जब XeF6 3 मोल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब XeO3 और HF के 6 मोल्स बनते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर इसका स्ट्रक्चर शो किया गया है। इसकी शेप पिरामिडल होती है और इसमें 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है।